नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। यदि दोस्तों आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए ताकि मेरे वीडियो के रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। जैसा कि दोस्तों हम देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, अभी अदानी पोर्ट्स का चार्ट है डेली चार्ट से, और तीन तरह के EMA इस पर लगे हुए हैं। तो सपोर्ट लाइन बनी हुई है, एक ट्रेंड लाइन बनी हुई है। दोस्तों मेरा उद्देश्य वीडियो बनाने के पीछे ये है कि आपको टेक्निकल एनालिसिस का बेसिक प्लस एडवांस नॉलेज जो मेरे पास है वो आपके साथ शेयर कर सकूं ताकि आप भी पैसे बना सकें। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आता हो तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो वीडियो को दोस्तों आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये जो अदानी पोर्ट ने निचले स्तरों पर 390 और ऊपर 400 का जो ये रेजिस्टेंस जोन इसने बना रखा था अगस्त 2018 से लगा, अगस्त जुलाई 2018 से, यानी कि एक साल भर पहले का जो जोन इसने बना रखा था, ये इसके लिए एक सप्लाई जोन का काम कर रहा था। क्योंकि ये देखिए दोस्तों, यहाँ आया फिर इसको सप्लाई मिला, फिर यहाँ सप्लाई मिलना स्टार्ट हुआ और ये इसके लिए सप्लाई जोन, जो कि रेजिस्टेंस जोन भी कहते हैं लोग, वो इसके लिए बन गया था। फिर करीबन 1 से 1.5 महीने 2 महीने तक ये नीचे ही रहा, कंसोलिडेट करा इसने, फिर आया ऊपर और वापस 400 के एक जो साइकोलॉजिकल लेवल होता है वहाँ से इसने गिरावट दी, फिर नीचे कंसोलिडेट करा इसने सारे मूविंग एवरेज के नीचे ही रहा कुछ दिन। एक बार इसने रिट्रेस करा, फिर नीचे गिर गया, फिर आया, फिर उसी रेंज में इसने टाइट रेंज में काम किया 5-7 सेशन, फिर नीचे गया। फाइनली इसने कुछ बड़ी न्यूज़ पे ब्रेकआउट दिए, सस्टेन नहीं कर पाया। लेकिन मई में जबकि चुनाव के जो रिजल्ट आया था उस समय इसने गैप अप ओपनिंग करके 400 के ऊपर क्लोजिंग देना स्टार्ट करने लगा था। 10 से 12 दिन 15 दिन या 20 सेशन तक इसने 400 के ऊपर सस्टेन किया अपने आप को। और देखिए ये जो 10 से 12 दिन जो मैं ट्रेंड लाइन खींच रखा हूँ, यदि आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा हो अदानी पोर्ट का तो वो आप देखिएगा, आपको उसमें मैंने क्लियर कट आपको बता दिया था कि जब भी इस ट्रेंड लाइन को तोड़ेगा तो आपको 10 से 12 रुपये की मूव आसानी से मिल जाएगी और वो भी एकदम स्पीड में मिल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, कल हुआ कुछ ऐसा ही, ओपन हुआ ये 416.40 पे, हाई भी लगभग वही है इसका, और जैसे ही खुला ट्रेंड लाइन तोड़ी, ट्रेंड लाइन तोड़ने के बाद डायरेक्ट इसने लो बनाया 400 का, जो कि ये सपोर्ट लाइन अपन ने बना रखी है, उसे पे सपोर्ट लिया और क्लोजिंग दे दी इसने करीबन 402 के आसपास। दोस्तों आगे इसका क्या करना है, तो आगे हमें ये ध्यान रखना है कि यदि ये 400 तोड़ दें तो 390, और 390 भी अगर ये तोड़ देता है तो 380, और 380 के बाद डायरेक्ट 320 तक टारगेट हम इसमें देख सकते हैं। लेकिन हमारे लिए कल का दिन खास रहेगा इसके लिए, यानी कि मंडे का, अगर ये यहीं से रिवर्स हो जाता है तो फिर ये 420 के लिए चल देगा, और अगर ये यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाता है, ठीक है दोस्तों, तो ये नीचे 390 के आसपास दिखेगा। 390 टूटने के बाद ये फिर नीचे ही नीचे दिखेगा जब तक ये 400 के ऊपर क्लोजिंग करना स्टार्ट ना कर दें। तो एक महत्वपूर्ण ट्रेंड लाइन प्लस सपोर्ट के आसपास खड़ा है, ये ट्रेंड लाइन इसने तोड़ी है और ये सपोर्ट के आसपास खड़ा है। तो आपको सोमवार को ध्यान रखना है, 400 के आसपास खोले और वहीं से अगर तेज़ी पकड़ लें तो आप इसमें बुलिश व्यू अपना फॉर्म कर सकते हैं, और अगर 400 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर दें तो अपनी तेज़ी की पोजिशन अगर हो आपके पास तो काट लें। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो और ये जानकारी या कंटेंट जो पसंद आ रहे हो आप, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें।